इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच प्रस्तुत करता है कहानी एचपीवी की। आज हम जानेंगे एचपीवी जांच के लिए कुछ परीक्षण। नमस्ते नमस्ते, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट या परीक्षण किए जाते हैं। मैडम, आपने पिछली बार बोला था कि आप टेस्ट के बारे में बताएंगी। आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, आपने बोला था ना, तो देखो आ गई हूँ मैं उन सभी टेस्ट की जानकारी देने के लिए। तो हमारे पास तीन महत्वपूर्ण तरीके हैं जांच के लिए, जैसे VIA, जिसे अंग्रेजी में विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्या, कौन से इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं, इंस्पेक्शन, यानी कि एसिटिक एसिड के साथ दृश्य निरीक्षण। अब नाम सुन के घबरा मत जाना, इसका नाम भी बड़ा है और काम भी। मैडम, वो कैसे? देखिए, इस परीक्षण में होता क्या है कि हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि सर्विक्स यानी बच्चेदानी से गुजरने वाली सुरंग पर कोई असामान्य घाव या कोई कण तो नहीं। ये जांच के लिए एक किफ़ायती तरीका है, पर ये टेस्ट या परीक्षण डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। हर परीक्षण से पहले आपको सारी जानकारी दी जाएगी, और अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो वो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं है। मैडम, ये जांच होती कैसे है? देखिए, आपको स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी या असुविधा महसूस हो रही हो तो आप मौजूदा स्वास्थ्य कर्मी को बताएंगे, तो वो आपकी सहायता के लिए हाजिर रहेंगे। फिर सर्विक्स पर वह रुई से एसिटिक एसिड लगाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ी सी असुविधा महसूस हो, ये प्रक्रिया में कम से कम 1 मिनट लगेगा। उसके बाद अगर टेस्ट का परिणाम या रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि कुछ असमानता मौजूद है, तो सर्विक्स पर कुछ सफ़ेद कण नज़र आएंगे, और अगर नेगेटिव हो यानी कि कण मौजूद नहीं है, तो गुलाबी। मैडम, आप कह रही थी कि और भी तरह के परीक्षण होते हैं। जी हाँ, तो ये तो बात हुई VIA की, अब बात करेंगे विली की, जिसको कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन विद ल्यूगल्स आयोडीन, यानी कि आयोडीन के साथ दृश्य निरीक्षण। इसमें भी VIA के जैसी ही प्रक्रिया होती है, पर फर्क ये है VIA में हम एसिटिक एसिड का प्रयोग कर रहे थे और विली में हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं। इससे होता क्या है कि पता हम असामान्यता का ही लगा रहे हैं कि सर्विक्स पर कोई कैंसर के कण तो मौजूद नहीं, पर जैसे VIA में कण मौजूद होने पर सर्विक्स सफ़ेद दिखने लगा था, आयोडीन का प्रयोग करने पर पीले धब्बे नज़र आते हैं। तो अगर परीक्षण के बाद पीले धब्बे नज़र आएं, तो कैंसर के कण या HPV तभी ही मौजूद होगा। मैडम, और हमने ये पैप टेस्ट का नाम भी सुना है। जी हाँ, तो पैप स्मियर टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। इस परीक्षण में हम VIA या विली के जैसे देख के असामान्यता का पता नहीं लगा सकते। और ये टेस्ट कैसे किया जाता है? तो आपको स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहा जाएगा, फिर योनि की दीवारों को खोलने और सहारा देने के लिए स्पेक्युलम का उपयोग किया जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। स्पेक्युलम का प्रयोग हर परीक्षण में किया जाएगा। आपको थोड़ी सी असुविधा महसूस हो सकती है, पर जांच भी तो ज़रूरी है ना। फिर डॉक्टर एक नरम ब्रश का उपयोग करके आपकी ग्रीवा कोशिकाओं के नमूने लेंगे। इससे आमतौर पर दर्द नहीं होता है, बस पैप स्मियर के बाद आप अपना दिन बिना किसी परेशानी के बिता सकते हैं। नमूनों को एक प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है, जहां सेल्स या कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की असामान्यता को माइक्रोस्कोप के तहत जांच की जाती है कि कैंसर या पूर्व कैंसर के कोई संकेत तो नहीं। ये थी कुछ ज़रूरी परीक्षण जो कि हर महिला को करवाने चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ हैं, और जैसे कि हम कहते हैं, जितनी जल्दी जांच उतना सही इलाज। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा।